बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम रिज़्क़ की गैबी तरक्की के हवाले से नादे अली शरीफ का एक बेहद मुजर्रब और बिजली की कड़क की तरह काम करने वाला वजीफा बयान कर रहे हैं। बहुत सी बहनों और भाइयों ने इस अमल से बेहद फायदा उठाया है, आप भी कोशिश करें इंशाल्लाह जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में आप ही की होगी। नाजरीन, अगर किसी भाई या बहन को नौकरी ना मिल रही हो, कारोबार ना चल रहा हो, कारोबारी बंदिश हो, घर में पैसा ना रुकता हो, कर्ज बेशुमार हो और इससे खुलासी का रास्ता भी ना मिल रहा हो, कारोबार बेहद मेहनत और पैसा लगाने के बावजूद ना चल रहा हो, कारोबार नजरे बद का शिकार हो या फिर कारोबार को कोई भी गुमनाम दुश्मन नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा हो, इन सभी मामला से निजात के लिए ये अमल बेहद अफजल है। अमल के लिए सबसे पहले आस्ताना से वो नक्श नादे अली मंगवाएं जो मुहर्रम शरीफ में मुश्को जाफरान से तहरीर किए गए हों और इन पर नादे अली शरीफ का पूरा अमल भी किया गया हो। नक्श मंगवाने के बाद आप दो नफल नमाज हदिया जनाबे हजरत अली करमुल्लाह तआला वजू अदा करें और इसके बाद ये नक्श अपने गले में पहन लें। ये नकूश साबका मुहर्रम शरीफ के तैयार आस्ताना के पास मौजूद हैं, जो कि मुश्को जाफरान से कागज पर तहरीर है। इसे हासिल करने के लिए आपको सिर्फ डाक खर्च 250 रुपए अदा करना होंगे। नाजरीन, याद रहे कि ये 250 रुपए कुरियर की फीस है, आस्ताना का हदिया नहीं, मगर आपसे गुजारिश ये है कि सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही इन नकूश को आस्ताना से मंगवाएं। बिला वजह इन नकूश को आस्ताना से हरगिज ना मंगवाएं, क्योंकि ये नक्श बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं और इन नकूश पर जो पढ़ाई होती है वो भी बहुत ज्यादा है। इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि अगर जरूरत हो तो ये नक्श मंगवाएं, ताकि इन नकूश से जो सही जरूरतमंद है इनकी जरूरत अल्लाह तबारक तआला की रहमत से पूरी हो सके। पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि अगर कोई फर्द अफोर्ड कर सकता है तो इसे नक्श नादे अली के साथ चांदी की लोहे इसमें आजम मंगवा कर भी अपने पास रखनी चाहिए। इससे अमल मजीद बेहतर और तेज हो जाता है और ये अमल पहले बयान किए गए अमल से अफजल इसलिए है क्योंकि इस अमल में इसमें आजम की अजाफी मदद भी आपके साथ होगी। याद रहे कि नादे अली शरीफ को ताकत इसमें आजम ही से मिलती है, क्योंकि अली इसमें आजम भी है। इसमें आजम में चूंकि नुकता नहीं होता, इसलिए गौर करें कि अल्लाह मोहम्मद और अली में भी नुकता नहीं, और अली अल्लाह तबारक तआला का भी सफाती नाम है और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सफाती नाम है। यानी जो अली को दिल से पुकारता है, इस तक अल्लाह और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद अली की मदद पहुंचने से भी पहले पहुंच जाती है। हदीस मुबारक है कि आप हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका अली मौला उसका मैं मौला और जिसका मैं मौला उसका अल्लाह मौला। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो अली को दिल से पुकारे तो अली से पहले अली के मौला वहां ना पहुंचे? यही एक सबूत है उस मोहब्बत का जो अली और अली के मौला के दरमियान है। नाजरीन, मौजू की तरफ दोबारा आता हूँ कि पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि रिज़्क की गैबी तरक्की के लिए ज्यादा बेहतर अमल ये है कि नक्श नादे अली और लौहे इस्मे आजम दोनों को मंगवाकर अपने पास रखें। लौहे इस्मे आजम चांदी पर तहरीर मुकद्दस कलिमात का नक्श है जो रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा को तैयार की जाती है। इसका हदिया 1500 रुपए है जो चांदी का खर्च और कारीगर की मजदूरी है। इसे हासिल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कायम फरमाएं। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला की ज़ात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपको अहले बैत की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और अहले बैत के सदके में आपकी सभी नेक दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।